बस यही था वन प्लस के बैक कैमरा सेटअप में, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। यही तो यार सुनना था हमें भाई, क्यों टेलीफोटो वगैरह नहीं, मैक्रो दो ना भाई, यही तो काम का कैमरा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो प्रीमियम स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है मोटो H30 अल्ट्रा वर्सेस वनप्लस 10T स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे कि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि मोटो के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से भाई दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम नेक्स्ट लेवल है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर मैं यहां पर बात करूं IP रेटिंग की, तो भाई Moto का फोन तो यहां पर IP52 रेटिंग के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है। सही बता रहा हूं यार, 50,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर कोई भी IP रेटिंग नहीं आती ना, तो भाई यार कोई फायदा नहीं यार, रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन जरा इन्हें देखना मोटो वालों को IP52, भाई ये भी ना जमा एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि यही सेम चीज ये 10-15 हजार वाले अपने फोनों में भी दे देते हैं, और वही चीज 50,000 में भी, क्या रह गया यार, प्रीमियम की इज्जत गिरा दी तुमने तो सारी। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको बता दूं कि मोटो का फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा कि दोनों ही कंपनी यहां पर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे, जो कि अच्छी बात है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चिपसेट की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8+Gen1 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि भाई चिपसेट तो आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर एकदम तगड़े वाला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, गेमिंग करनी है मस्त करो, मक्खन प्रूफ। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की, तो इस फोन का मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। बस यही था OnePlus के बैक कैमरा सेटअप में, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। यही तो यार सुनना था हमें भाई, क्यों टेलीफोटो वगैरह नहीं, मैक्रो दो ना भाई, यही तो काम का कैमरा है, जमा बेकार कैमरा सेटअप है दोस्तों, सही बता रहा हूँ यार मैं। OnePlus वाले भी ये बात जरूर बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, बैक कैमरा सेटअप बेकार है OnePlus का, जो है तो है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर मोटो के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर मोटो के फ्रंट में हमें 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर भाई मोटो का फोन ही विनर है, क्योंकि 60 मेगापिक्सल का कैमरा भाई बढ़िया फोटो ही आएंगी आपकी। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहां पर मोटो के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहां पर मोटो फोन के अंदर हमें 4610 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 125 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें 4800 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 150 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो दोस्तों कि वायरलेस चार्जिंग चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी तो भाई बैटरी और फास्ट चार्जिंग के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें मोटो का फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और OnePlus का फोन 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है।
साथ ही दोस्तों NFC भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें 3.5mm जैक की तो हमें दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी नहीं दिया गया है। लेकिन भाई आपके म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि मोटोफोन के 8+128GB वेरियंट की कीमत है 55,000। वहीं दूसरी तरफ वन प्लस फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 50,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, मोटो को या वन प्लस को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और दोस्तों अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों वैसे तो भाई दोनों स्मार्टफोन यहां पर अपने अपने प्राइस पॉइंट पर काफी ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन अगर आपको मेनली कैमरा के हिसाब से भी जाना है ना, तब आप यहां पर भाई मोटो की तरफ जरूर से जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल तो दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है ही। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।